आपको पता ही होगा कि आरडी सर्विस मंत्रा डिवाइस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति ईमेल पासवर्ड भूल जाता है आरडी सर्विस करते समय, तो वो अपना रीसेट पासवर्ड कैसे कर सकता है, तो आइए तो वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको दिखा। तो यहाँ पर दिया है कि ईमेल आईडी और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल लेंगे या क्रिएट अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो अपना आईडी पासवर्ड हम डाल लेते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं, जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड वो बना लेंगे। तो हम यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे दिखा रहा है कि इनवैलिड जो पासवर्ड है वो इनवैलिड है। तो हम यहाँ पे अपना एक बार फॉरगेट पासवर्ड भी कर लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो आपका मेल है वो मेल आपको डालना होगा, फिर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे हमारे सामने एक मेल जो कि आ जाएगा, इसी में आपको पासवर्ड भी रहता है। तो मेल को एक बार क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो पासवर्ड है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ईमेल पे आ जाता है रीसेट पासवर्ड का, तो हम इस पर क्लिक करके अपना रीसेट पासवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे अपना पासवर्ड एक पासवर्ड अल्फाबेटा के साथ बना लेते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड अल्फाबेटा डालकर बना लेना है, फिर रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो सिटी वगैरह है वो सिलेक्ट कर लेना है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली दोस्तों अब इसको करने के बाद हमें इसी पे फिर से इसी पे चले जाना है और यहाँ पे ईमेल डाल देना है और फिर यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देना है। डालने के बाद आपको सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो आपका सिटी वगैरह है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम अपना सब कुछ सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा और फिर यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो इस प्रकार से रीसेट पासवर्ड किया जाता है अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।